हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 कक्षा 7 विषय संस्कृत के 17 पाठ का, जिसका नाम है रागी दुर्गावती। यहाँ पर ये नई पुस्तक आपको मिली हुई है, इसके हमने संपूर्ण पाठ हल कराए रखे हैं। तो आपको यदि संपूर्ण पाठों का हल देखना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से आपको यहाँ पर पुस्तक के 21 पाठों का हल देखना है। तो इसमें हम केवल यहाँ पर 17 पाठ का हल देखने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न होने वाला है, यहाँ पर निर्देश दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, देखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पठसि इति पदे लकारः अस्ति। पठसि में कौन सा लकार है? तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, तो इसको अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वीर नारायणस्य माता आसीत, यानी वीर नारायण की माता का नाम क्या था? ऑप्शन लिखा है आपका, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई या रागी कमलापति। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, पहले और दूसरे का टिक लगा हुआ, तो इनको अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर ये दिया गया है, प्रश्न नंबर 3। तो आपको यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि एक पद में उत्तर लिखना है, यानी एक शब्द में। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, रामड़ा, यहाँ पर रामड़ा कस्मिन विश्वविद्यालय अध्ययनम करोति, यानी यहाँ पर जो रमणा था यानी रावण, वो कौन से विद्यालय में, यहाँ विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था? तो यहाँ पर हो जाएगा रागी दुर्गावती विश्वविद्यालय। इसके बाद है अगला, रमेण सह का वार्तालापम करोति, यानी रामेण के संगे साथ में कौन वार्तालाप कर रहा था? तो यहाँ हो जाएगा दीक्षा। अगला प्रश्न 5वां, का यशः शरीरेण जीवति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुर्गावत्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 6वां। तो इसमें क्या लिखा है, राज कार्येषु युद्ध विद्यायाम चा का प्रवीणा आस्ति, तो इसका हो जाएगा रागी दुर्गावती, यानी कौन सी यहाँ पर राज्य कार्य और युद्ध विद्या सभी चीज़ें आती थी? तो यहाँ पर रानी दुर्गावती को, रानी को बोलते हैं रागी संस्कृत में। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7। इसमें आपको यहाँ पर दिया है कि एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 7वां, कस्याः राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत, यानी किसके शासनकाल में सभी जगह पर संपन्नता थी, यानी सभी क्षेत्रों में संपन्न थे राज्य। तो इसका हो जाएगा महारागी दुर्गावती राज्यकाले सर्वत्र प्रसन्नता आसीत। ये संपन्नता और प्रसन्नता यहाँ पर एक ही है, संपन्नता यानी संपन्न होते हैं, प्रसन्नता यानी प्रसन्न होते हैं। तो आपको इसमें कस्य के स्थान पर, कस्या के स्थान पर आपको यहाँ पर महारागी दुर्गावती याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन 8वां है आपका, गोडवाना राज्यस्य राजा का आसीत, यानी गोडवाना के राजा कौन थे राज्य के? तो यहाँ पर हो जाएगा गोडवाना राज्यस्य राजा दलपत शाह आसीत। तो यहाँ पर गोडवाना राज्य के राजा कौन थे? दलपत शाह। तो का के स्थान पर आपको दलपत शाह याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन 9 है आपका, तो इसको देख लीजिए क्या लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया आपका, यहाँ पर वीर नारायणस्य पितु नाम किम आसीत, यानी वीर नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो यहाँ पर हो जाएगा वीर नारायणस्य पितु नाम दलपत साहम आसीत। तो इसमें केवल आपको किम के स्थान पर दलपत साहम याद करना है। इसके बाद दलपत शाह एक तो राजा थे गुड़वाना राज्य के, और एक किसके पिताजी थे? तो यहाँ पर वीर नारायण के पिता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न ये दिया गया हमारा 10वां। तो क्या लिखा है, गोडवाना राजस्य प्रजा का माता इव अपश्यप अपश्यान,
तो यहाँ पर गुणवाना राज्य की जो प्रजा थी वो माता किसे कहती थी या माता के रूप में किसे देखती थी, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणवाना राजस्य प्रजा अपि रागी दुर्गावती माता इव अपश्यनम पश्यनम। यानी यहाँ पर आपको किम के यहाँ पर कम के स्थान पर आपको यहाँ पर रागी दुर्गावती याद करना है, यानी माता के रूप में किसे देखती थी, तो महारानी दुर्गावती को। क्वेश्चन अगला है 11वां, तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 11 है। तो क्या दिया गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ प्रश्न नंबर 11, पाठ्य पुस्तक आधारेण उदाहरण अनुसारम वाक्यानि रचयतः। यानी आपको यहाँ पर इस प्रकार से वाक्य रचने हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वीर नारायणस्य मातु नाम दुर्गावती, तो पहले आपको यहाँ पर विभक्तियाँ लिखनी है, तो इनको विभक्तियों को लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे तस्या राजस्य क्षेत्रस्य मंडला क्षेत्रस्य तस्य, ये आपके लास्ट में एक ही शब्द हैं, तो इसकी विभक्ति आपकी हो जाएगी, सभी छठी विभक्ति में आते हैं, तो छठी विभक्ति के और वचन है आपका एक वचन, तो आपको लिख लेना है यहाँ पर छठी विभक्ति और यहाँ पर एक वचनम। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है कंप्लीट, और इसके बाद हमारे यहाँ पर वाक्य बनाने हैं आपको, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको वाक्य बना लेने हैं। पहला आप बनाएंगे यहाँ पर वीर नारायणा पितु नाम दलपत साह, यानी वीर नारायण के जो पिताजी थे वो दलपत साह थे, वीर नारायणा मातु उपाधि महारागी, यानी वीर नारायण की जो माताजी थी उन्हें महारानी की उपाधि दी गई थी। इसके बाद वीर नारायणा मातु नाम दुर्गावती, यानी वीर नारायण के माता का नाम दुर्गावती था, वीर नारायणा मातु समाधि जल यहाँ पर जबलपुर मंडले मार्गे, यानी वीर नारायण की जो पिताजी माताजी थी उनकी जो समाधि है वो जबलपुर जिले के मार्ग में है, वीर नारायणा राजधानी मंडला राज्य मंडला नगरी, तो वीर नारायण की जो राजधानी थी वो मंडला नगर में थी। लास्ट है आपका वीर नारायणा राज्यम यहाँ पर विस्तृतम, यानी जो वीर नारायण का जो राज्य था वो बहुत विस्तृत था, तो यहाँ पर अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा ये रहा आपका, तो आपको यहाँ पर ये 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ये वाला, और इसमें से जो आपके आंसर हैं वो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जगह नहीं दी थी इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन के नीचे, तो आपको यहाँ पर लिखना था इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो 12 क्वेश्चन हैं उन्हीं का सभी का यहाँ पर संपूर्ण हल हो चुका है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने संस्कृत कक्षा 7 के एक पाठ से लेकर 21 पाठ तक का हल नहीं देखा है, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से यहाँ पर इस बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 1 से लेकर 21 पाठ तक के सभी पाठ खोलकर आ जाएंगे, तो आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं और सभी के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।